तो काफ़ी बंदे कहते हैं कि भाई हमेशा अपने घर से वीडियो क्यों नहीं शुरू करते। यार आपको एक बात बताऊं, हम जो है ना अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फील अच्छा आता है। नहीं, जेन्युइन वाला रीज़न बताता हूँ, हम जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और सारा दिन घर पे खिंच पिच रहती है, कभी पोछा लग रहा है, कभी बर्तन यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, और वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है कि मेरा कमरा अलग है, इसका कमरा अलग है, सबका कमरा अलग है, एक दो ही कमरे हैं, उसी के अंदर वीडियो बनानी पड़ती है। वहीं मम्मी आ गई, पोछा लग रहा है, बर्तन आ गए, दूध पी ले, ये कर ले, वो कर ले, तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको भी मज़ा ना आए और मेरे को भी मज़ा ना आए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि घर से बाहर निकल जाऊँ, वहाँ जाके वीडियो बनाऊँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्रीकाल, नमस्ते, बड़ों को पैरी बनाओ और छोटों को हेलो। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, होप करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं आपको बजट के अंदर अंदर कैमरा दिखाने वाला हूँ। सस्ता नहीं कह सकते, महंगा भी नहीं कह सकते, लेकिन बजट में है, मोटर व्लॉग के लिए अच्छा है, व्लॉग के लिए अच्छा है। सबसे बढ़िया चीज़ इस कैमरे के साथ ही माइक आता है, आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ता। और ये रहा उसका बॉक्स, तो आज हम घर पे अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले, इसकी शॉप में अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले, आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं प्रेम भाई के यहाँ पर। प्रेम भाई अपने यार वेल्डिंग वाले भाई, वेल्डिंग के उस्ताद प्रेम भाई, तो उनके वहाँ पर आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। आज ये गैस वेल्डिंग से काट के खुलेगा। आज इसको खोल फाड़ देंगे और चलो खोलते हैं और इसको यूज़ करके दिखाते हैं कि कैसा है। तो ये जो कैमरा मंगाया है मैंने, ये मैंने मंगाया गो नॉइस से, तो आपको बताया था जैसे इसकी सबसे बढ़िया मेन चीज़ कि माइक इसके साथ ही आता है। तो अभी इसके दो तीन शॉट दिखाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्काउंटेड लिंक है, उस लिंक पे जाओगे आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। वैसे इसका प्राइस मेरे ख्याल से 8,000 के अराउंड है, लेकिन अगर आप उस लिंक से जाओगे तो 6,500-7,000 रुपये का मिलेगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट है। तो जाना अभी मत जाना, पहले वीडियो देखना, क्वालिटी अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तब जाना, चेक करना, लेना हो तो बाय करना। और हाँ, इससे हम व्लॉग भी बना सकते हैं। और अब आगे का शेड्यूल क्या है, मेरे को अभी यहाँ से जाना है राजेंद्र नगर। यहाँ पर हम क्यों आए हुए हैं, आपको पता है इसकी एक बाइक रेडी हो रही है, वो यहाँ रेडी हो रही है, अभी नहीं दिखाऊंगा, रेडी होने दो, उसके बाद दिखाऊंगा। ये यहाँ पर बाइक रेडी करवाएगा, मैं जाऊँगा राजेंद्र नगर, वहाँ मेरे को एक काम है और ये वाला कैमरा यूज़ करने वाला हूँ, इसकी क्वालिटी भी पता लग जाएगी, मेरा काम भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, हम सीधा स्विच करते हैं फटाफट से। हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नॉइस के प्ले व्लॉग से। तो मुझे नहीं पता अभी साउंड की क्वालिटी कैसी आ रही होगी, ये माइक मैंने कॉलर पे लगा लिया है, होप करता हूँ अच्छी आ रही होगी। तो अब मैं इसको सेटअप करने वाला हूँ अपने हेलमेट पे, और जो मेरे को आगे काम है राजेंद्र नगर में वो करने जा रहा हूँ, पीछे उसकी बाइक का काम चल रहा है, बाइक बाद में दिखाऊंगा। तो लेट्स गो, सो लेट्स गो, और करण मेरे साथ ही जा रहा है। रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, ये देख रहे हो गो नॉइस पे, मतलब गो नॉइस कैमरे की रिकॉर्डिंग है। मुझे नहीं पता एंगल कैसा है, बिकॉज मेरे को अपने गोप्रो का आइडिया है, इसका आइडिया नहीं है, होप करता हूँ एंगल अच्छा ही होगा, वॉइस अच्छी रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये कैमरे की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत सारे बंदों को मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई कोई सस्ता बताओ, क्योंकि गोप्रो का बजट हर किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं है, बिकॉज बहुत महंगा है, लेकिन किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके ले रहा हूँ। 35,000 रुपए का गोप्रो लो, फिर माइक अडेप्टर लो, उसके लिए 5,000 रुपए का, फिर 2,000 का माइक, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है।
पूरा का पूरा सेटअप, और ये सेटअप सिर्फ 7000 रुपए का, जिसके अंदर माइक भी इंक्लूडेड है, तो क्यों ना ये लिया जाए। और अब देखता हूँ एक बार घर आके जब एडिटिंग करने बैठूंगा तो पता लगेगा कि साउंड कैसी रिकॉर्ड हुई है। हो तो कैसे हैं आप सब? तो आप सोचोगे कि राइट चलते चलते एकदम से मैं घर पे कहाँ गया। सो दिस इज द नेक्स्ट डे, जस्ट अभी ऑफिस से वापसी आया हूँ, सोचा व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। व्लॉग एडिट करते करते जब मैंने कैमरे की क्वालिटी देख के यार मजा ही आ गया, तो सोचा एक दो बातें कर लेता हूँ आपसे। तो आपने देखा होगा जब मैं व्लॉग बना रहा था उस कैमरे से माइक यहाँ पे लगा हुआ था, तो वीडियो क्वालिटी वॉइस क्वालिटी दोनों एकदम बढ़िया आ रही थी। हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नॉइस के प्ले व्लॉग से, तो मुझे नहीं पता अभी साउंड की क्वालिटी कैसी आ रही होगी, लेकिन व्हेन आई एम राइडिंग तो आपने देखा होगा आवाज हल्की हल्की फटी फटी आ रही। तो उसका रीजन क्या है, जो माइक है ना मैंने बिल्कुल मुंह के आगे लगा लिया था। आज एक टिप देता हूँ, कभी भी आप मोटो व्लॉग कर रहे हो जो माइक होता है ना मुंह के आगे बिल्कुल मत लगाओ, ठोड़ी के यहाँ लगा लो, गाल के यहाँ पर लगा लो, कोई भी कैमरा कोई भी एक्शन कैमरा यूज कर रहे हो मुंह के आगे माइक नहीं होना चाहिए। तो जल्दबाजी मैंने मुंह के आगे लगा लिया, तभी आवाज फटी फटी आ गई। यहाँ लगाता आवाज एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड होती। कोई भी कैमरा मैं यूज करता हूँ दूसरा, तो माइक में मुंह के आगे नहीं लगाता, जल्दबाजी में लगा लिया, ध्यान नहीं दिया, वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो जाके देखा। लेकिन आपने वीडियो क्वालिटी देखी होगी, A1 आ रही है, मजेदार है, सस्ता कैमरा। सस्ता क्यों है, अभी वैसे ये कैमरा 8000 का, लेकिन फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, आपको ये 5500 रुपये का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय करना चाहते हैं तो। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको पता है यार, कोई अच्छी चीज़ होती है बजट में होती है, बिकॉज हर कोई GoPro नहीं खरीद सकता। GoPro का पूरा सेटअप 40-45000 रुपये का पड़ जाता है, मेरे को पता है मैंने कैसे बाय करा है। अभी करा नहीं है, अभी कल या परसों डिलीवर होगा। फिर मैंने बीच में ये कैमरा ही मंगा लिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी मेरे को A1 लगी, तो सोचा आपसे भी डिस्कस करूं। आपको बताया तो 5500 रुपये में कैमरा मिल रहा है, साथ में माइक भी है। अगर आप कोई भी कैमरा लेते हैं GoPro SJ माइक साथ में नहीं मिलता, इसमें माइक आपको साथ में मिल रहा है। तो बाय करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय कर सकते हैं, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो चलिए राइड को कंटिन्यू करते हैं, घूमते घूमते घर आ गए थे, वापसी चलते हैं, तो बाय बाय। भाई ध्यान से देख लो इस बंदे को, इसकी वजह से आज हम इतना पैदल चले और रास्ता भी खो गया है। बाइक नहीं मिल रही, कहाँ खड़ी कर दी है, कौन सी गलियों गलियों में से निकल के, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कहाँ जाना है, सिर्फ एड्रेस था हमारे पास, पूछते पूछते एक जगह बाइक खड़ी करी और पैदल निकल गए। और कौन सी गलियों में से, ओहो, 15-20 मिनट बाद हमें बाइक मिली और हालत ऐसी हो गई है। और अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इमली जा रहे हैं, इमली मिलेगी नहीं, इमली पे करण सैगल मिलेगा। इसको खट्टा खाने का मन हो रहा, क्या चक्कर है भाई। तो इमली जा रहे हैं, वहाँ पर करण मिलेगा, कुछ खाएंगे पियेंगे और इस ब्लॉग को वहीं पे एंड कर देंगे। ये मिल गई अपनी बाइक, और वो पीछे भाई जिन्होंने हमें एड्रेस बताया था, थैंक यू भाई साहब। तो एड्रेस मिल गया था, काम हो गया, अब निकल रहे हैं यहाँ से, बाय बाय। चले भाई चलो। तो अभी मैंने थोड़ी सी इसकी रिकॉर्डिंग देखी थी, थोड़ा तो एंगल में गड़बड़ है, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं एंगल का, वो मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगा। हल्का फुल्का मैंने और करा है, देखना सही है कि नहीं है। और हल्की मेरे को ऐसा लगा फटी हुई आवाज़ आ रही है, बिकॉज माइक भी अभी मैंने ढंग से एडजस्ट नहीं करा, क्योंकि जल्दबाजी में हम काम करते हैं ना, वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो माइक एडजस्ट करूँगा, फिर आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल मुँह के आगे लगा दिया था तो एकदम फटी फटी आवाज़ आ रही थी, अभी हल्का सा करा है, प्रॉपर नहीं करा, बाकी घर जाके देखेंगे। सिर्फ आपको क्वालिटी दिखानी थी, क्वालिटी तो आपको समझ आई गई होगी कि कैसी है। और अब पेट पूजा का टाइम है अपना, पेट पूजा। तो ये पहुंच गए हम इमली। इमली एक्चुअली एक ट्रेन का डब्बा है, ये देखो ये इंजन है और ये पूरी ट्रेन है, और इस ट्रेन के अंदर बैठ के खाना खाएंगे, पहले हम बाइक लगाएंगे। तो अब ये ट्रेन कौन चलाएगा, हम चलो आओ आओ। अरे मन करा आजकल थोड़ा चटपटा, नहीं नहीं अच्छा साउंड नहीं कर रहे। क्या इसने क्या क्या ऑर्डर करा अभी बताना सर। पानी वाले गोलगप्पे पानी वाले गोलगप्पे चटपटा खाएगी आज थोड़ा।
हाँ बियर वाले गोलगप्पे ले। ये थोड़ा परेशान सा लग रहा होगा। मैंने टेंशन दे दी है, ये बाबू बाजी ने टेंशन दे दी है। लॉन्ग राइड का प्लान बना रहे हैं। वो लंबी टेंशन बहुत बहुत लंबी लाइट है ऑन वे। ये आपकी खिदमत में पेश है झूला गोलगप्पा। झूला गोलगप्पा खाने का ऑर्डर तब तक नहीं गया था जब तक बब्बू बाजी आए नहीं थे। तो भाई जब तक आएंगे नहीं तो मेन ऑर्डर इन्हीं की तरफ से होता है। हाँ। मजाक है काली भाई, ज्यादा मैंने नहीं खाना था। हाँ, ज्यादा सीरियस मत लेना। आज इन्होंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ एक दो गोलगप्पे खाए हैं, कुछ नहीं खाया यार आपने आज। ऐसा क्यों, घर से खा के आए हो? आलू के परौठे। आलू तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, मिलेंगे ना नेक्स्ट में। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।